अयोध्या श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में जिस तरह से राम जन्मभूमि निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, उसी तरह जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह कार्य कर रहे हैं और विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इस बार अयोध्या में दीपोत्सव 21 लाख दीप प्रज्वलित की जाएगी और अयोध्या में रामलीला 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सुने उनकी जुबानी। एक, दुर्गेश कुमार पांडे तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष। दो, राजेश कुमार महाराज तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष। भाग्य है, अयोध्या के गौरव के लिए बात है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने व सूबे की मुखिया माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जिस प्रकार से अयोध्या में गौरव प्रदान किया है, अयोध्या के परम पूज्य संतों के द्वारा आगे बढ़ चढ़ करके जो जीव महोत्सव दीप महोत्सव का कार्यक्रम उन्होंने एक नया अयोध्या में मेला प्रयोजन प्रारंभ किया है, इसके लिए बार बार धन्यवाद अयोध्या के परम पूज्य साधु संतों को व सूबे के मुखिया श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को। क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या का विकास बढ़ रहा है, उसी प्रकार से अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चुकी है। आने वाले अयोध्या में 2000-4000 लोग आते थे, आज के समय से 50 हज़ार से लेकर के 70,000 तक जनसंख्या तीर्थयात्री श्रद्धालु अयोध्या में पधार रहे हैं, तो अयोध्या का विकास बढ़ रहा है। रह गया रोटू के बाद जो क्षतिग्रस्त है, रोड निर्माण हो रहा है, बहुत ही जल्द आने वाले दीप महोत्सव से पहले उस सभी रोडों का निर्माण हो जाएगा और नंबर एक का रोड अयोध्या में बनेगा। क्योंकि लाखों की श्रद्धा में अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं दीप महोत्सव के समय, और श्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने 21 लाख दीपक का जो वादा किया है अयोध्या में जलवाने का, 2500 लाख दीपक जलने के लिए परम पूज्य संतों ने अपने अपने मठ मंदिरों में व तीर्थ पुरोहितों ने अयोध्या के नगरवासियों ने इस दीपावली को बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत बनाने का संकल्प ले लिया है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार अयोध्या को बढ़ावा दे रही है, समय समय से अयोध्या का महोत्सव झूलन उत्सव हुआ, रामनवमी हुआ, सावन झूला महोत्सव हुआ और एक नया महोत्सव जो उन्होंने प्रारंभ किया है अयोध्या में दीप महोत्सव का, इसलिए बहुत ही अयोध्या के लिए सौभाग्य की बात है। आने वाले समय में अयोध्या पूरा स्वर्ग की जैसे तैयारियां में सरकार लगी है, ऐसे सरकार को बारंबार धन्यवाद, बारंबार साधुवाद। पूरा तीर्थ पुरोहित अयोध्या धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, पूरा तीर्थ पुरोहित समाज, पूरा अयोध्या जनसभा जनसंख्या, पूरा परम पूज्य संतों के द्वारा साधुवाद व धन्यवाद बारंबार इस सरकार को दिया जाता है। क्योंकि ऐसा सरकार ऐसा अयोध्या का विकास जीवन में होने वाला नहीं था। हम लोगों को दर पीढ़ी बीत गया, हम लोग को नहीं मालूम था कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हम लोग की यादकाल में होगा। लेकिन जिस प्रकार से माननीय श्री मोदी जी और श्री माननीय श्री योगी जी ने अयोध्या का विकास कराया है, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जिस प्रकार से बहुत ही जल्द बन करके पूर्ण रूप से तैयार भी हो चुका है, आने वाले 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी अयोध्या पहुँच करके उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा श्री रामलला जी का कराएंगे, जो स्वयं परमात्मा राम जी हैं जिन्होंने अयोध्या में अवतार लिया था। तो ये सब हम लोगों की सौभाग्य की बात है, ऐसा कोई दूसरा सरकार ना करा पाता, अयोध्या का विकास ना हो पाता, तो ये सभी परम पूज्य अयोध्या के संतों का देन है, श्री मुख्यमंत्री जी का देन है और श्री प्रधानमंत्री जी का देन है। जिस प्रकार से अयोध्या से लेकर के पूरे भारत का विकास हो रहा, बारंबार धन्यवाद, बारंबार साधुवाद इस पूरे सरकार को, परम पूज्य संतों को। श्री किलाधीश जी महाराज जी ने जिस प्रकार से रामलीला आयोजन का प्रारंभ अपने प्रांगण में कराया है, श्री महाराज जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि ये गवर्नमेंट सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग के द्वारा जिस प्रकार से भव्यता के रूप में जिस प्रकार से हम लोगों ने रामायण का सीरियल देखा है, उस प्रकार से जो पूरे देश विदेश से या बम्बई से दिल्ली मद्रास और महाराष्ट्र से सभी कलाकार रामलीला के पात्र अयोध्या में पधार रहे हैं, श्री किलाधीश जी महाराज उन सभी का सम्मान करके अपने प्रांगण में रामलीला का आयोजन जो रखा है, इसके लिए स्वामी जी को भी और ऐसे पर्यटन विभाग ऐसे सरकार को भी मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। राजेश महाराज अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, जय श्री राम। अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है।
जिसमें तीर्थयात्री अधिक से अधिक अयोध्या में श्री राम जी का दर्शन करने आ रहे हैं और पूरे अयोध्या में प्रधानमंत्री जी का योजना, श्री मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का योजना पूरे अयोध्या में सुंदरीकरण में लगा हुआ है। जगह जगह पर सड़क का काम, कार क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री के द्वारा अयोध्या का सुंदरीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। दीपावली के उत्सव में योगी जी का आगमन होगा, दीप उत्सव उड़ेगा, आपकी विशाल 21 लाख दीपदान होने वाला है, जिसकी तैयारी पूरे अयोध्या में चल रही। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे, जय श्री राम।